सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने सुना ही होगा, अगर किस्मत साथ दे ना तो इंसान कहीं से भी आगे जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो चुका है एक लेडी के साथ। फ्रेंड्स, आप में से पक्का, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ने रानू मंडल का नाम तो सुना ही होगा और अभी ये सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है और बहुत लोग अभी इनको जानते भी है। और मतलब आप अगर नहीं जानते तो आप ये वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए, मैं आपको रानू मंडल से रिलेटेड पूरे मतलब कि आपको बातें बताऊंगा रानू मंडल के फुल स्टोरी के बारे में, और साथ ही साथ आगे मतलब रानू मंडल कैसे आगे गए हैं और आगे और क्या क्या होने वाला है रानू मंडल के साथ। और अगर आप एक ऐसे मतलब स्टूडेंट हो, ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई हो, भाई हो मेरे, मतलब भाई तो हो मैं जानता हूँ, पर मतलब ऐसे अगर आदमी हो से आपके पास एक नॉलेज है, आपका खुद का आपका एक टैलेंट है, तभी भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आए तो। और इस वीडियो का लाइक का गेम रखते हैं ओनली 10 लाइक्स के लिए। मैं आशा करता हूँ आपने 10 लाइक पूरा कर ही देंगे, प्लीज़ हो सके तो 10 लाइक पूरा कर ही दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ये स्टोरी मतलब जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये लेडी जो है उनके बारे में, जो मैं मतलब रानू मंडल का जो स्टोरी बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा लंबा खींच के नहीं लेके जाने वाला, छोटा सा स्टोरी बताऊँगा मैं आपको, डिटेल में नहीं समझाऊँगा। तो ये एक हावड़ा के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और ये स्टोरी फेक नहीं है। अगर आपको फेक लगे तो आप नेट पे सर्च भी मार सकते हैं, रानू मंडल मतलब ऐसा सर्च मार सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा वो अभी क्या है। मतलब सिंगर बन चुके हैं वो, हॉलीवुड में अभी आ रही है, और मतलब आ रहे क्या अभी, मतलब उस पर तो सॉन्ग भी बन गया है, हिमेश रेशमिया और रानू मंडल का अभी सॉन्ग हो गया है, रिलीज़ होना बाकी है अभी। तो अभी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। स्टोरी कुछ इस प्रकार है, हावड़ा का रेलवे स्टेशन था और वहाँ पे वो मतलब आप समझ सकते हैं, तो मतलब वहाँ पे वो गाना गा रही थी, मतलब स्टेशन पे बैठ के, तो वहाँ पे स्टेशन पे बैठ के गाना गा रही थी। तो उस पे से एक बंदे को पता नहीं गाना अच्छा लगा होगा, एक प्यार का नगमा है ऐसा ही कुछ गाना है, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। तो वो गाना उसको मतलब बंदे को पसंद आ गया होगा, तो उसके लिए वो बंदे ने उस पे गाना पे शूटिंग कर लिया था। तो शूटिंग करने के बाद उसने क्या किया था, मतलब वीडियो बना लिया था। वीडियो बनाने के बाद क्या किया, वीडियो बनाने के बाद वो सोशल प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो को शेयर कर दिया था, फेसबुक पे। फेसबुक पे डालने के बाद वो मतलब जैसे ही फेसबुक पे डालने लग गया वो गाने को, एक प्यार का नगमा ये गाना जो डाला, तब क्या हुआ, फेसबुक पे 24 घंटे के अंदर, 12 से 24 घंटे के अंदर उस पर 1.7 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए थे। मतलब आप समझ सकते हो लाखों करोड़ों व्यूज़ क्रॉस कर गए थे उस पर, करोड़ों व्यूज़ से भी ज़्यादा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, वो इंसान का मैं मतलब नाम तो नहीं जानता यार, ऐसा ही कुछ मैंने सुना था आर्टिकल में, तो ऐसा हुआ था। और ऐसा होने के बाद वो जो मतलब रानू मंडल जो है, वो जो लेडीज़ है जो स्टेशन पे गाना गा रही थी, उसको बुलाया गया, हिमेश रेशमिया ने उनको बुलाया। और उनका रानू मंडल का बहुत मेकअप हुआ, बहुत कुछ मतलब अभी उनका पूरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है अभी। और उनके बाद अभी वो बॉलीवुड में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी वो बॉलीवुड में आ रही है। और मैं आपको अगर उनका एक प्यार का नगमा है, अगर उस वक्त का अगर आप सॉन्ग देखेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लेडीज़ भी आगे जा सकते हैं। तो आप क्या चीज़ हो, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लेडीज़ भी आगे जा सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टैलेंट का अगर आपके पास थोड़ा सा भी यूनिक टैलेंट हो तो आप कहीं से भी आगे जा सकते हैं। कोई भी आपके मतलब आपका मतलब हाथ में लिखा भी नहीं रहेगा, मतलब अगर आपके हाथ में लिखा है तो भी आप जा सकते हो। आप मेन मतलब आप समझ सकते हो, आपका अगर यूनिक कोई टैलेंट है तो आप उसको पेश करो, इंटरनेट पे पेश करो, सोशल मीडिया पे पेश करो। ऐसे नहीं से मतलब आपको कुछ भी मतलब आप सोच रहे हो से मेरे पास ऐसा टैलेंट है तो मैं बाद में उसको पेश करूंगा, मैं क्या करूं दिखा के, लोग सब हंसेंगे ये वो, आप कुछ भी मतलब ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप मतलब फॉर एग्जांपल पे आप इनका स्टोरी देख ही सकते हो, मैं जो आपको रानू मंडल का स्टोरी बता रहा हूँ, आप वो स्टोरी से मतलब थोड़ा तो मोटिवेट हो ही जाओगे। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी है, मैं आपको सिंपल भाषा में मैं समझाया हूँ। और अभी जो रानू मंडल है मतलब उस पर मतलब नया बॉलीवुड जो सॉन्ग है वो मतलब मैं आपको बताता हूँ, बॉलीवुड सॉन्ग भी आप सुन लो। Oh
सो फ्रेंड्स, तो अभी तक आपको बॉलीवुड सॉन्ग सुन के आपको आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो ये लेडी गा ही नहीं सकती, ये मतलब बैकग्राउंड में कोई और गा रहा होगा और ये लेडी सिर्फ मुंह लगा रही होगी। पर ऐसा बात नहीं है, ये मतलब सच्ची में मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी, और ये सच्ची में लेडी गा रही है। और ये लेडी का जो साउंड है ना, इतना मीठापन है इसमें, अगर मतलब मैं आपको बोलूँ आप में अगर कोई भी यूनिक टैलेंट हो, मतलब आप कुछ भी सॉन्ग वीडियो फोटोग्राफी मतलब आप मतलब सोच सकते हो, अगर आप मतलब 10 साल से लेके आप जितने भी बड़े हो, अगर आप में यूनिक टैलेंट है तो आप उसको पेश करो। 10 साल क्या, 5 साल भी हो आपका, मतलब अगर आप एक मतलब पेरेंट्स हो, आपके बेटे में अगर एक यूनिक टैलेंट है, या फिर आप में, आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप में अगर एक यूनिक टैलेंट है तो आप उसको गवाओ मत, उसको पेश करो सोशल मीडिया पे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और अगर मतलब आप अगर कोई भी बंदे को ऐसा देखते हो, उसे उस बंदे के पास यूनिक टैलेंट है, एक अच्छा सा है, ये बंदा अच्छा गाना गा लेता है, ये बंदा एक अच्छा डांस कर लेता है, तो आप उसको क्या करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, कैमरा से फ़ोटो खींचो और सोशल मीडिया पे शेयर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब वो फेमस हो गया तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, मतलब आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उसके लिए भी अच्छा रहेगा, वो तो आगे जाएगा ही जाएगा, पर आपका भी कुछ नाम होगा, आपका भी कुछ पहचान होगा, से ये बंदे ने इसका वीडियो शेयर किया था, आपको सब फॉलो करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप कोई भी ऐसे बंदे को देखते हो जिसके पास एक यूनिक टैलेंट है, वो कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि वो गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा हो, यूनिक टैलेंट आप समझ सकते हो क्या होता है, ऐसा कोई अगर आपको लगे तो आप सीधा बेझिझक में मतलब उसका वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मतलब अभी सोशल मीडिया का ही ज़माना चल रहा है, तो आप देख सकते हो सोशल मीडिया से कोई कहाँ से कहाँ जा सकता है, अभी इंटरनेट का क्रेज़ चल रहा है, तो मतलब अभी जो 2019 का प्लेटफॉर्म है ना, ये भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर मतलब आप, और आगे जैसे जैसे इंडिया मतलब जैसे जैसे अभी बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे बहुत आगे जाने वाली है इंडिया, मैं लिख के बोल रहा हूँ अभी, मतलब जैसे जैसे दुनिया बढ़ रहा है बहुत आगे इंडिया जाएगी, और इंडिया शायद फर्स्ट नंबर पर भी आ सकती है मैं अगर बोलूँ। टेक्नोलॉजी और मतलब आप समझ सकते हो यूनिक टैलेंट में इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे होगी, अगर आप मतलब ऐसा अगर काम करते हो, कोई भी इंसान को देखो से मतलब ये एक अच्छा काम कर रहा है, ये एक मतलब ऐसा काम कर रहा है जो वो कोई कर ही नहीं सकता है, उसको आप बेझिझक वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, आपका तो नाम आएगा ही आएगा और वो बंदे का भी कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका भी नाम आएगा, आपको भी सब लोग पहचान पाएंगे, ऐसे ये वीडियो कौन शेयर किया है, ऐसे में बहुत अच्छा रहता है आप सबके लिए। और मैं यही वीडियो में कहना चाहता था, और ये वीडियो में ज़्यादा लंबा खींच के नहीं लेके जाने वाला, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता चाहता हूँ, इंटरनेट अभी ज़माना है इंटरनेट का ही चल रहा है, तो आप क्यों बिना बेझिझक मतलब इंटरनेट के बिना बैठे हुए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी, मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक यूनिक टैलेंट है जिसको आप चाहते हो, उसे मैं मतलब लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं दिखाऊँगा तो इससे मेरा भी एक लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, तो आप बेझिझक किसी का भी मोबाइल फ़ोन हो, कैमरा उठाइए, मतलब कुछ भी कीजिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठपटंग बात मतलब बैड नेगेटिव वर्ड्स बोल दे, या मतलब आप समझ सकते हो कुछ भी यूनिक टैलेंट का मतलब क्या होता है, तो यही है इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और मतलब आपका जो ड्रीम है उसको आप फॉलो कीजिए, आपका मतलब आप क्या चाहते हैं बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक पेरेंट्स हो तो आप स्टूडेंट से पूछिए, आप अपने बेटे से पूछिए, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने मन से पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, क्या मतलब इंडिया में मतलब आप जब भी मतलब बड़े होंगे तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, अगर आप इंटरनेट पे मतलब आप कुछ भी करेंगे ना तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वीडियो से एक मतलब जो है ये लेडी कहाँ से कहाँ चली गई, कितने नीचे थी और एक सेकंड में अपना आसमान छू ली। आप देख सकते हैं इंटरनेट का कितना क्रेज़ है इस दुनिया में, और इंटरनेट से कौन कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो यही था इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच के नहीं लेके जाने वाला, और अगर आप कोई भी ड्रीम है तो आप उसको फॉलो कीजिए, ड्रीम को फॉलो करने के लिए आप लड़ाई भी कर सकते हैं, लड़ाई का मतलब नहीं है ऐसे मैं यही काम करूँगा ये काम करूँगा मेरे को और कुछ नहीं करना है, मुझे पढ़ना नहीं है मुझे यही काम करना है, ऐसा मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आप मतलब पढ़िए भी, आप इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई छोड़ दीजिए,
ड्रीम का कहने का मतलब ये है, आप पढ़ाई कीजिए, आगे जाके साथ साथ में आप वो भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम आप जो है आप यूट्यूब में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई भी कीजिए। आपका जो ड्रीम है उसको भी आप साथ साथ में फॉलो करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दूसरे शेयर कर दीजिए, एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट कमेंट कर दीजिए। फिलहाल के नए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए टेक्नोलॉजी सही। दुनिया बहुत आगे जाएगी, इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे टेक्नोलॉजी के मामले में।